नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। यह औषधि पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है और यह बहुत ही गुणकारी औषधि है और चमत्कारी औषधि है। आयुर्वेद में इसे विशेष स्थान मिला हुआ है। आज हम आपको अमरबेल के बारे में जानकारी देंगे, इससे कौन कौन से रोग ठीक होते हैं और इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इससे पहले हम आपको इसकी पहचान कराते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये पेड़ पर लगी हुई अमरबेल देख रहे हैं, जो प्रकृति का एक चमत्कार ही कहा जाता है। बिना जड़ की यह बेल वृक्ष पर फैलती है, उसी वृक्ष को अपने आहार के रूप में उसके रस को चूसती है। अमरबेल का रंग पीला और पत्ते बहुत ही बारीक तथा ना के बराबर होते हैं। अमरबेल के फूल गुच्छों में लगते हैं जो सफेद होते हैं। बीज राई के समान हल्के पीले रंग के होते हैं। अमरबेल बसंत ऋतु में जनवरी फरवरी और गर्मियों में मई जून में बहुत बढ़ती है। सर्दियों में सूख जाती है। जिस पेड़ का यह सहारा लेती है, उसे सुखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। अमरबेल का रंग पीला होता है, स्वाद में चरपरा खसैला होता है। अमरबेल डोरे के समान पेड़ों पर फैलती है। इनमें जड़ नहीं होती तथा रंग पीला तथा फूल सफेद होते हैं। इसकी तासीर गर्म व रूखी होती है। इस लता के सभी भागों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आप इसका सेवन 20 ग्राम की मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने अमरबेल की आपको पहचान के बारे में बताया, इसके स्वरूप के बारे में आपको बताया है, अब इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इससे कौन कौन से रोग ठीक होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए जिनके बाल झड़ने के कारण गंजेपन की समस्या है, बालों में रूसी है, बालों में जुए हैं, बाल झड़ने की जिनकी समस्या है, इसके लिए आप 30 ग्राम अमरबेल को पीसकर 2 चम्मच तिल का तेल लीजिए। उसमें अच्छी तरह से मिलाकर सिर में मालिश करिए। इससे बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है, नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं, बालों की रूसी दूर हो जाती है। और इसी में आपको दूसरा उपाय भी बताते हैं हम। अगर आप रोज अमरबेल को अच्छी तरह से पीस कर अगर इससे आप अपने सिर को धोते हैं, तो उससे भी यह रोग दूर हो जाते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें गठिया जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन की समस्याएं हैं, वह लोग अमरबेल को अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के बाद जोड़ों पे लगाइए, उस पर पट्टी बांध दीजिए। इससे सूजन और दर्द तुरंत खत्म हो जाता है और गठिया जोड़ में आराम मिलता है। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें बवासीर है, खूनी बवासीर है, बादी की बवासीर है, वह लोग 20 ग्राम अमरबेल को अच्छी तरह से पीस लीजिए। उसमें 5 ग्राम जीरा पाउडर मिलाइए, 4 ग्राम कलौंजी का पाउडर मिलाइए। एक गिलास दूध के साथ सुबह और शाम उसका सेवन कम से कम 20 दिन तक करिए। इससे आपको आराम मिलेगा। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें चर्म रोग की परेशानी है, पुराना घाव है उनके शरीर पे, खाज और खुजली की समस्याएं हैं, वह अमरबेल को अच्छी तरह से पीस लीजिए। उसमें 1 चम्मच देसी घी गाय का मिलाइए। उसे उस जगह लगाइए जहाँ घाव है, जहाँ खुजली है, उस जगह लगाने से वह घाव जल्दी भर जाता है और खाज खुजली की समस्या दूर हो जाती है। अगला उपाय बच्चों के लिए है जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है, उन बच्चों को अमरबेल का 1 चम्मच का रस लीजिए। उसे दूध में मिलाकर आप सुबह शाम बच्चों को पिलाइए। इससे उनकी लंबाई जल्दी बढ़ेगी और पेट में कीड़े होंगे तो वह भी खत्म होकर बाहर निकल जाते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनकी आंखों में सूजन रहती है, आंखें कमजोर हैं, आंखों से पानी आने की समस्या है, उसके लिए आप अमरबेल को पीसकर उसके रस का आंखों की पलकों पर मालिश करें, माथे पर मालिश करें। इससे धीरे धीरे आपकी आंखों में रोशनी बढ़ना शुरू हो जाता है, आंखों में सूजन रहती है तो वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके शरीर कमजोर है, शरीर में थकावट बनी रहती है, थोड़ा सा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सांस फूलने की समस्या हो जाती है, वह लोग अमरबेल को अच्छी तरह से पीसिए। पीसने के बाद 10 ग्राम की मात्रा में पीसना है आपको उसको, और उसे आधा लीटर गाय के दूध में उबालिए। जब वह दूध आधी मात्रा में रह जाए, आप उसमें मिश्री मिलाकर सुबह के समय उसके सेवन करिए। इससे शरीर बलवर्धक शक्तिवर्धक बन जाता है, शारीरिक थकावट दूर हो जाती है। दोस्तों, अगला उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें बोलने में किसी तरह की समस्या रहती है या जीभ में किसी भी तरह का घाव है, छाले हैं, वह लोग अमरबेल का पंचांग लीजिए। उसे अच्छी तरह से उसका लेप बनाकर जीभ पर लगाइए। इससे जो भी घाव है जीभ पर वह ठीक हो जाता है। अगर बोलने की कोई समस्या है तो वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि पंचांग क्या होता है। पंचांग वो चीज होती है जो पौधे का पूरा स्वरूप होता है, हर चीज उसकी जो काम होती है उसे पंचांग कहते हैं। दोस्तों, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है व्यक्ति, वह हफ्ते में एक बार अमरबेल का जरूर सेवन करें, क्योंकि यह बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, अमरबेल की तासीर बहुत ही गर्म होती है। महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं, वह सेवन ना करें, क्योंकि इससे गर्भपात होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आपसे विशेष तौर से कहा जा रहा है जो 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें इसका सेवन ना करने दें, क्योंकि उन्हें परेशानी हो सकती है। दोस्तों, हमने आपको अमरबेल के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए,
क्योंकि हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं और हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल आयुर्वेद शाला से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।